खाने का ऑर्डर करते हैं, ठीक है जी, वो किस तरह करते हैं आप? मान लो तुम कहते जी एक रेस्टोरेंट के गए हो, अपन पता है आप किसी भी बाहर जो आप घर तो बाहर जाने किसी भी ढाबे से ला लो, रेस्टोरेंट के ला लो, होटल के ला लो, कितने भी जो आप उत्थे खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाने लिए जाने हैं, तो थोड़े वाला एक वेटर ठीक है आता गा, वो पूछता थोड़ा तुम की लेना पसंद करोगे, ठीक है जी। तुम उन्होंने एक थोड़ा मीनू दे के जाते, तुमने मीनू दो जी सानू, एक फूड मीनू थोड़ा दे जाते हैं वो, जिस विच बख बख जिहड़ियां फूड जिहड़ी मीनू आइटम्स होंदियां नेगियां कि इस कि बैवरेज दे विच ए चीज़ आई, तुहानूं स्टार्टर्स दे विच ए चीज़ मिलेगी, मेन कोर्स दे विच ए चीज़ मिलेगी, ठीक है। तां बख बख मीनू आइटम्स जो उत्थे कि इस मीनू दे विच दित्तियां होंदियां, जिन्हां नूं आपां देख के ठीक है अपनी पसंद दे अकॉर्डिंग आपां की करदे उहनां नूं ही ऑर्डर करदे। तां कहिंदे जदों तुसीं कोई ऑर्डर करदे हो तां कुछ आम शर्तां दी वरतों कीती जांदी है, जिन्हां दी जानकारी कि इत्थे नीचे दित्ती गई है। तां तीन तरह की आप शर्तों को पढ़ रहे हैं, पहला है स्टार्टर्स, सैकेंड वन है मेन कोर्स, थर्ड है डेजर्ट्स। स्टार्टर्स की अपने जी ये भोजन में पहला कोर्स है जिसनों आप एपीटाइजर या स्टार्टर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिमें जो भी आप किसी फंक्शन पर जाने, मान लो ठीक है किसी प्रोग्राम से, मान लो किसी ब्याह के प्रोग्राम से जाने, तो जब आप कि होटल जाने तो सब तो पहला तुम देखा होगा आप सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक्स ही लेंगे, जिमें कोई ठंडा ले लिया ठीक है, जब कोई लेमन ले लिया, जब सिंपल आप सॉफ्ट ड्रिंक मीनस आप कोई वाटर ले लिया ठीक है, जब कोई फास्ट फूड ले लिया ठीक है। तो इस दे की आ जाता जी, पहली चीज़ है जिमें लिखा है जूसेस, आई वुड लाइक टू हैव फ्राइड वेजीटेरियन मोमोज फॉर स्टार्टर्स, कि मैं स्टार्टिंग दे विच के मोमोज वेजीटेरियन की मोमोज खाने ने उस दे लिए आप की करते हैं ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो आप सुनो एग्जाम्पल दी सी एक ब्याह की, हम भी सुनो ब्याह की एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक मान लो तुम ब्याह के गए हो, थोड़ा किसी ने इनवाइट किया है ठीक है, तुम्हारे साग संबंधी दोस्त ने ठीक है, तो आप जो जाने सब तो पहला की करते हैं जी, एक स्टाइल्स से आप स्नैक्स लैने ठीक है, किसी ने पकौड़े ले ले, किसी ने गुलाब जामुन ले ली, किसी ने जूस ले रहा है, कोई टिक्की, एक की अपने स्टार्टर्स ने ठीक है, सारिया आइटम्स की ने एक स्टार्टर्स के आ जाने, जो आप स्टार्टिंग जी चीज़ जाके खा रहे हैं ठीक है। तो उस तो बाद आप स्टार्टिंग के स्टार्टर्स ये चीज़ ले ली, उस तो बाद आप हसद खेड गलां बातें करते हैं, उस तो बाद क्या आता जी सैकेंड पॉइंट की आता जी मेन कोर्स। मेन कोर्स विच की है भोजन विच मुख्य डिश या खास डिश होंगी, जिमें आप ब्याह दे विच की करते हैं उस तो बाद रोटी खाने ना जी, तो उस तो बाद जिमें आई वुड लाइक टू हैव शाही पनीर, चने भिंडी, रायता, रुमाली रोटी, आप इस चीज़ का ऑर्डर दे सकते हैं ठीक है। जे आप स्टार्टर्स विच देना है तो आप सिंपल फास्ट फूड ठीक है, कोई आप बैवरेज जिमें कोई खाण पीन दी सिंपल ठीक है, उन्होंने की करा ऑर्डर करते हैं। बट जो आप कोई मेन कोर्स विच ऑर्डर करते हैं तो आप कोई ठीक है रोटी दी ठीक है, शाही पनीर दी ठीक है, रायता, रुमाली रोटी, इस चीज़ की गल करते हैं। तो ब्याह के भी आप करते नहीं, तो पहला आप सिंपल खा लिया, उस तो आप रोटियां ठीक है रोटी लेने आप कोई कोई शाही पनीर धरता, कोई राइस ले रहा, कोई बिरयानी राइस है, कुछ भी एनीथिंग एल्स ठीक है तुम ले सकते हो। तो थर्ड के आते डेजर्ट्स, ठीक है जो आप रोटी खाने फिर आप मिठा खाने ना जी, कोई मिठी चीज़ जिमें किसी ने गजरेला ले लिया, कोई गुलाब जामुन लैंदा है, कोई आइसक्रीम लैंदा है ठीक है, कोई खीर लैंदा है ठीक है, तो वो किहड़े कोर्स विच आ जांदा जी डेजर्ट्स दे विच। डेजर्ट्स की है भोजन का आखिरी कोर्स है, ये फल भी हो सकता है, कोई मिठी चीज़ भी हो सकती है ठीक है जी। थोनों एक एग्जाम्पल दे विच दसता सारी गल, ब्याह नूं लैके तुसीं समझ सकते हो कि ब्याह जदों आपां जा रहे हैं किसी दे किसी पार्टी दे विच जा रहे हैं, तां इह तीन चीज़ां कि इह आम देखण नूं मिलदियां ने जिहनूं आपां फॉलो भी करदे हां। फूड का मतलब आप उस चीज़ को आप खाने भी हाँ ठीक है, आप सारा कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। इसे तरह ही आप एक होटल दे विच एक रेस्टोरेंट दे विच जाके भी तिन्ने चीज़ों का बख-बख ऑर्डर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपनी नीड, अपन जिहड़ी चीज़ की लोड़ है आप उस कोर्स दे विच की करते हैं एक ऑर्डर करते हैं। जे अपन स्टार्टर्स दे विच लोड़ है आप स्टार्टर्स लै रहे हैं, जे मेन कोर्स दे विच आप कल्ली रोटी खानी है तो उत्थे मेन कोर्स का मीनू चेक करांगे, जे आपां कोई मिठी चीज़ लेनी है वो डेजर्ट दे विच करांगे आपां ही चेक करांगे। जिवें मेन कोर्स दे विच लिखा सी इन्होंने आई वुड लाइक टू हैव शाही पनीर,
ਚਨੇ ਭਿੰਡੀ ਰਾਇਤਾ ਐਂਡ ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਫੋਰ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਜਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਖੀਰ ਫੋਰ ਡੈਜਰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਮੰਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਲੀ ਪਟਾਟੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਹੈ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਵੀ ਡੈਜਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੋਕਲੇਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੋਟਲ ਆਫ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏ ਐਨ ਅਤੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਐਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਊ ਆ ਈ ਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਊ ਆ ਈ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਲਸ ਅੱਖਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਵਲ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਏ ਆਈ ਯੂ ਐਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਲ ਅੱਖਰ ਪੰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂ ਆਈ ਯੂ ਐਨ ਆਈ ਡੀ ਈ ਆਰ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਾਈ ਬਟ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਵਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਊ ਆ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੋਟ ਏ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਸਤੂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਦੋਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ